नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूं विंड वेलफेयर ब्यूटी एसोसिएशन के एक वर्कशॉप में। यहां पर आज तमाम ब्यूटिशियन, अगर बात की जाए रीवा, सतना, सीधी, शहडोल की, चार जिले को बनाकर इन्होंने विंड वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है। तमाम जिम्मेदार चारों जिले के मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा आखिर इस यूनियन का क्या है फायदा, किस तरीके से आप लोग, किस तरीके से आपने यूनियन बनाई। थोड़ी ऐसी बात करिए। मैं रश्मि गुप्ता, रायपुर करछुलियान से, टच एंड ग्लो पार्लर से। ये संस्था हमारे लिए बहुत अच्छी संस्था है। इस संस्था में हम लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, प्लस एक नया मोड हम लोगों को मिला है और ये संस्था बहुत ही अच्छी है। संस्था बनाने के बाद हमें काफ़ी फायदा मिलेगा, किस तरीके से फायदा मिलेगा? सबका सपोर्ट मिलेगा और अभी हम लोग इस लाइन पे न्यू हैं तो सबके सपोर्ट से काफ़ी तरक्की होगी एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस नाम नहीं बताया आपने। नाम मेरा ममता वर्मा है, काली तलाव में मेरा पार्लर है ब्यूटी इन स्टाइल नाम से। एंड बताइए। मेरा नाम सुशीला तोमर है, मैं गढ़ से हूँ, दूली ब्यूटी पार्लर। मेरा जहाँ गढ़ में हम लोग रहते हैं, बहुत छोटा सा एरिया है, वहाँ मतलब पैसे दे के सीखने वाले कोई नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, बहुत ही गरीब लोग हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है, मैं उनको कम से कम पैसे में सिखा सकूँ, उनको आगे बढ़ा सकूँ, कम से कम पैसे में सिखा सकूँ, आगे बढ़ा सकूँ। तमाम तरीके की बातचीत है। विंद वेलफेयर एसोसिएशन आज जमीन में है, क्या कहेंगी आप? इस संस्था में जुड़ने का एक नया मकसद है, लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, प्लस हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। बताइए। हम ये चाहते हैं कि सब कोई मिल के काम करे, मतलब कभी किसी के सामने ये नहीं दिक्कत होनी चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर हम एक गठन करें किसी उसका, तो हमको साथ में मिल के चलना चाहिए। महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए और स्वावलंबन के लिए हमने इस एसोसिएशन का गठन किया है, जिसमें हम चाहते हैं कि जो छोटे तबके की महिलाएं हैं, जो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती, वो अपने एक छोटे से कमरे में भी, और जैसे हमारे लोकप्रिय महापौर जी आज आए थे, जिन्होंने एक लोन की भी बात की है और एक बहुत अच्छी उन्होंने योजनाएं भी हमको दी है, तो इस ये रोजगार ऐसे कि हम एक छोटे कमरे में भी चालू कर सकते हैं और महिलाओं स्वावलंबन बन सकती हैं। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने आसपास की उन कामकाजी महिलाओं को भी अपने पैरों में खड़ा करने का एक बीड़ा उठाया है इस टीम ने, जिनसे मैं लगातार बात कर रहा हूँ, जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर किस तरीके से आप काम जी। नमस्ते, मैं अतरेला से हूँ, शिल्पी गुप्ता, विंध्या वेलफेयर ब्यूटी सेक्शन की प्रेसिडेंट हूँ और मैं अतरेला से हूँ। इसमें जुड़ने के बाद मुझे बहुत सबसे मिलने बहुत अच्छा लगा और जुड़ने से पता चला क्या कैसे ब्यूटी से मैं काम करती हूँ और कैसा रहना है, क्या है। बताइए। नमस्कार, मैं दीपिका श्रीवास्तव, चाकघाट से, अप्सरा मेकओवर मेरा पार्लर है। इस एसोसिएट से हम जुड़ने से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे, और मिलजुल कर करने का मतलब है एजुकेशन लेवल। आजकल क्या है, नई नई टेक्नीशियंस आ रही हैं, उन सब चीज़ों की जानकारियां हम लोग अपने एसोसिएट के थ्रू ले सकते हैं। एक बड़ी बात यह है कि अभी तक जो कुछ महानगर के बाद रीवा जैसे शहर या बड़े शहर में था, अब ये बात यहाँ से निकल कर गाँव तक चली जाएगी, छोटे छोटे इलाके तक चली जाएगी। जिस तरीके से अब जो काम बड़े शहरों में होता था, अब आपके हाथ में है और बहुत छोटी छोटी जगह पर आप लोग जाने की तैयारी में। तो आज इस एसोसिएशन के बाद क्या दिमाग में आ रहा है? हेलो, मैं संध्या सास, बहु कलेक्शन, मनीगवा प्रेसिडेंट। ये बोलना चाहती हूँ कि जो उन्होंने ऑफर दिया है अजय मिश्रा बाबा जी ने, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें प्रदान की है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे काम वो करते रहें, ताकि मैं भी हैप्पी रहूं और लोग भी हैप्पी रहें और हर चीज़ को वो कंट्रीब्यूट कर सकें। बताइए। हेलो, मैं सुगंधा गुप्ता, फेयर वन मेकओवर से, मैं वेलफेयर एसोसिएशन की चीफ असिस्टेंट सेक्रेटरी हूं। ये एक्चुअली एसोसिएशन औरतों को बढ़ावा देने के लिए है, हम सभी महिलाएँ अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएं, इस वजह से ये एसोसिएशन बनाई गई है। जैसे कि रीवा शहर में अभी उतना मतलब टैलेंट तो बहुत कुछ है, पर बड़े बड़े शहरों से हमें आर्टिस्ट बुला करके यहाँ एजुकेशन देना होता है। तो हमारा ये है उद्देश्य कि हमारे आसपास के जो टैलेंट है, जिन औरतों में अच्छा टैलेंट है, उसको हम आपस में उभारें और उनको आगे बढ़ाएं,
और हमें जैसे कि कई सरकारी योजनाओं का पता नहीं चल पाता है, तो इस योजना के इस एसोसिएशन के थ्रू हमें उन नई योजनाओं का महिलाओं को बताने का मौका मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। थैंक यू। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, अपने पैरों में खड़ा करना है, नई नई टेक्निक को अब छोटे छोटे इलाके में भी भेजना, जैसे वो लोग भी वहाँ पर बेहतर तरीके से काम कर सकें। जैसा कि आज विंध वेलफेयर एसोसिएशन ने धरातल में कदम रख दिया है, अब आप लोग का एक बड़ा संगठन छोटे से बड़ा हो गया, तो क्या लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है कि एक एसोसिएट ऐसा तैयार हो गया है जिसके द्वारा हम लोग कई चीज़ों की जानकारियां ले सकते हैं। नई नई टेक्नीशियन आ गई हैं, महानगरों में पहुंची हैं, आज उन महानगरों से निकलकर सिटियों में आ रही हैं, और सिटियों से क्या होता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में जो चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं वो चीज़ें मिल गई हैं। इसलिए खुशी है एसोसिएट को बनाने वालों के लिए कि मतलब उन्होंने इतना अच्छा प्रपोजल तैयार किया, और इससे हम लोगों की भी प्रोफाइल चमकेगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपने एसोसिएट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रिया सिंह बघेल है, मैं जवा से आई हूँ। मुझे इस ग्रुप में जुड़ के बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों से मिलने का मौका भी मिला, और जो हमारे सब सीनियर हैं उनसे कुछ सीखने की भी चीज़ें हमें मिली, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। राधे राधे, मैं बैकुंठपुर से हूँ, और एक मैं जिस गांव में हूँ तो वहाँ पे मतलब लोगों को शहर आना और जाना, किसी चीज़ों को लेके मेकअप को समझना, तो एक मतलब ये रहता है कि हर गांव का बंदा ये सीखा रहे कि मुझे ये मेकअप करना है, तो इस ग्रुप में जुड़ के लोगों को ये लग रहा है कि मुझे कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है। बताइए। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति सिंह है और मैं डायरेक्टर दोस्ती हूँ यहाँ पे बीसीएम में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मुसीर जी ने इतनी अच्छी टीम तैयार की, और बीच बीच में मतलब बहुत सारे लोगों को हेल्प भी मिलेगी ब्यूटी के उसमें, और जो हमारे सीनियर हैं उनसे हमको सीख रहे हैं। बड़ों से सीखने के लिए मिलेगा, हम अपने इलाके में जाके जो भी सीखेंगे वहाँ पर उसका प्रयोग करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, एक चैन बन जाएगी, चैन बन जाएगी। अब तमाम छोटी छोटी जगह पर भी हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। नमस्कार, मैं वंदना सोनी काम दुल्हन ब्यूटी पार्लर चाकघाट से हूँ, और मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है हेयर ब्यूटी एसोसिएशन का, और इसी एसोसिएशन में जुड़ने का मेन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो जिनको जो भी नॉलेज नहीं है, और इस ग्रुप के माध्यम से जिसको अच्छी नॉलेज है और एकजुट ये मीटिंग होगी जो उसमें वो सब सीख सकते हैं, तो इसके लिए विंध्य एसोसिएशन के जो ऑर्गेनाइज़र हैं मुसीर भाई और अंजुम मैम, इनका तहे दिल से थैंक यू सो मच। बताइए। मैं मऊगंज जिला से कल्पना शुक्ला, और यहाँ आई मैं पहली बार आई हूँ, मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैं कल्याणी तिवारी अट्रैक्शन ब्यूटी पार्लर सिल्वी प्लाजा रीवा से, मुझे इस उसमें जुड़ के एसोसिएशन जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और जो ये सब हम एक साथ होकर जो काम करेंगे इसको हम सोचेंगे कि आगे तक ले जाएं, ये बंद नहीं होने पाए, ये सिलसिला अब बंद नहीं होगा, ये सिलसिला दूर तक जाएगा। जिस तरीके से लगातार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से विंध्य वेलफेयर ब्यूटी एसोसिएशन रीवा ब्यूटी पार्लर से एक आप लोग की अब जिस तरीके से जिम्मेदारियों की बात करूँ तो जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई। अभी तक आप रीवा देख रही थी, अब पूरे विंध्य को देखेंगी, तो क्या दिमाग में खाता है? मैं अर्चना सिंह वैदेही ब्यूटी पार्लर से मानना से हूँ, और मैं विंध्य वेलफेयर एसोसिएशन की कल्चर सेक्रेटरी हूँ। ये मेरा सवाल आपसे इसीलिए है कि कैसे आप पूरे विंध्य को इकट्ठा करेंगी, क्या है दिमाग में खाका? जी, अभी तक तो हमारा सिर्फ रीवा का एसोसिएशन चल रहा था, लेकिन इस बार मुशीर भाई और अंजुम मैम ने जो नई पहल शुरू की है वो रीवा सीधी सतना शहडोल मऊगंज चौथा चारघाट बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके पूरी टीम तैयार किया है, और इस टीम के माध्यम से लोग नया नया सीखेंगे, जो हमारे सीनियर हैं उनसे सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पार्लरों में लोग करते तो हैं पर उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो हमारे इस टीम के द्वारा करेंगे। और मैं जब से इस पार्लर एसोसिएशन में जुड़ी हूँ तो मैं हर साल 3 मेकअप फ्री करती हूँ। एक बड़ी बात, हर साल हम कुछ मेकअप फ्री करते हैं, अभी तक रीवा के लिए कर रहे थे, अब बात पूरे विंध्य की है, विंध्य का नाम इस विंध्य वेलफेयर एसोसिएशन से हमें पूरा करना है।
आप लोगों ने एसोसिएशन तो बना लिया। थोड़ी देर पहले मैं महापौर को सुन रहा था, महापौर ने कहा है कि जो भी नगर निगम की योजनाएं हैं उनको आपकी टीम के द्वारा सारी ब्यूटिशियंस को, जो भी रीवा की हों, सतना की हों, आसपास के गांव की हों, उनको एक व्यवस्थित तरीके से सारी सुविधाओं का लाभ देंगे। तो किस तरीके से आप लाभ दिलवाएंगे सर? लगातार अभी थोड़ी देर पहले महापौर जी ने कहा ठीक से मेंटली प्रिपेयर नहीं है, शायद इस वजह से ना बोल पाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो इस समय मुझे देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले महापौर से मेरी बात हो रही थी, उनका साफ तौर से कहना था विंड वेलफेयर ब्यूटी एसोसिएशन के द्वारा मैं केस शिल्प और तमाम छोटी छोटी योजनाएं, खास तौर से जो छोटे पार्लर हैं उनको आर्थिक अनुदान भी दिलाऊंगा। वहाँ जो लड़कियाँ काम कर रही होंगी, जो महिलाएँ काम कर रही होंगी, अगर वो निचले तबके से होंगी, उनके पास दो वक्त की रोजी रोटी का इंतज़ाम नहीं होगा, तो उन्हें फ्री राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। आज पहले दिन विंड वेलफेयर ब्यूटी एसोसिएशन ने एक बड़ा काम